संगम शरणं गच्छामि। तो ये हमारा क्वेश्चन है एनलाइटेंड वंस। अब इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या बोला हुआ है ना कि हमें जैसे एन टेम्पल्स गिवन है और के मॉन्क्स गिवन है, ठीक है। अब हमें ये बोला हुआ है कि ये जो मॉन्क्स है ना ये अपनी पावर को स्प्रेड करना चाहते हैं जितने भी टेम्पल्स हैं उनमें, ठीक है। अब उसको स्प्रेड करने के लिए ना उनकी जो मतलब पावर है वो हमें उनको मिनिमम पॉसिबल यूज करनी है, तो इसके लिए हमें एक एफिशियंट तरीका बताना है जिसमें कि जिस डायरेक्शन में अगर वो खड़े हो ना तो उनकी जो पावर है वो सारे टेम्पल्स तक पहुंचे, ठीक है। मतलब हमें मिनिमम पॉसिबल रेंज बतानी है कि कितनी हो सकती है वो। एक बारी इस पे आ जाओ जैमबोर्ड पे, वो सॉरी इस पे इनपुट्स पे आना। इनपुट में देखो हमें जैसे इसका साइज दे रखा है, सबसे पहले तो ये जो हमारे पास ये जो साइज है ना ये जो थ्री गिवन है ये हमारे को ये पता है कि नंबर ऑफ टेम्पल्स हैं, है ना, और ये जो पोजीशंस हैं टेम्पल्स की 1, 5 और 20 जो है ना ये पोजीशंस हैं, और जो 2 है ये हमारे को नंबर ऑफ मॉन्क्स दे रखे हैं कि मॉन्क्स इतने अवेलेबल हैं, ठीक है। अब देखना इसका एक्सप्लेनेशन ध्यान से कि हमें ये जो मॉन्क है ना ये बताने कि ये मॉन्क्स जो है वो कहाँ पे मतलब किस पोजिशंस पे जैसे खड़े हों कि इनकी जो पावर है वो तीनों टेम्पल्स में आ जाए, समझ रहे हो, है ना। मतलब मॉन्क जैसे अगर मान लो 3 पोजीशन पे खड़ा हुआ है ना, तो हमें बताना है कि उसकी मिनिमम पावर कितनी हो सकती है कि उसकी जो मतलब वो एनलाइटन करने की पावर है ना वो तीनों टेम्पल्स में जाए। तो अगर हमें जैसे मान लो 2 मॉन्क दे रखे हैं, है ना, तो हमारे को अगर हमें जैसे 3 पे खड़ा करते हैं, हम जैसे 3 पे खड़ा करते हैं है ना, तो 1, 2, 3 एक तो मतलब अगर उसकी पावर 2 है, यहाँ पे एक मिनट मैं जैमबोर्ड पे समझा देता हूँ, जैमबोर्ड पे आ जाओ आगे। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, फोर्थ पेज पे। तो अभी देखना अभी हमें इसमें क्या बोला हुआ है कि सबसे पहले ये यहां पे ऐसे है ना, ये यहां ऐसे है, ठीक है। ये क्या है, ये टेम्पल्स की पोजीशन है। तो अगर हमें ये बताना है कि हमें मतलब हम मॉन्क्स को कहां पे खड़ा करें इनके बीच में कि इनकी जो पावर है ना वो तीनों टेम्पल्स में जाए, ठीक है, और वो मिनिमम पावर हमें बतानी है कि मतलब कितनी हो सकती है मिनिमम पॉसिबल पावर कि अगर हम इनके बीच में खड़ा करें तो वो तीनों टेम्पल्स में जाए। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर हमें मान लो यहाँ पे हमने 3 पे खड़ा कर दिया है ना, तो देखो वो यहाँ पे भी जाएगा, मतलब अगर इसकी पावर यहाँ पे मान लो 2 हो गई इसकी पावर है ना, तो ये क्या हो गई इसकी मॉन्क की, हर एक मॉन्क की पावर मान लो 2 हो गई है ना, तो यहाँ पे अगर ये 3 पे खड़ा है तो यहाँ पे भी जाएगी इसकी पावर है ना, इनका डिफरेंस 2 है और यहाँ पे भी जाएगी इसकी पावर, और ये वाला जो मॉन्क है अगर ये 18 पे खड़ा हुआ तो इसकी यहाँ पे भी जाएगी पावर, ठीक है। अगर हम इसके अलावा कुछ भी ले सकते हैं लेते हैं ना, तो अगर हम 3 से बड़ा नंबर लेंगे तो वो तो उसकी पावर बढ़ा देगा, लेकिन हमें तो मिनिमम पॉसिबल चाहिए ना कि मिनिमम पॉसिबल पावर में ही उन वो जो है एनलाइटन कर दें टेम्पल को। और अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं तो ये 1 और 2 में डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा है ना, लेकिन यहाँ पे तो डिफरेंस बढ़ जाएगा ना, यहाँ पे तो 3 हो जाएगा, जबकि हमें मिनिमम पावर जो है 2 मिल रही है तो हम 3 को क्यों लेंगे, है ना। तो हमें ऐसे ही बताना है कि मॉन्क्स कहां पे पोजीशन कर सकते हैं कि उनकी जो पावर है वो मिनिमम हो जाए, ठीक है, हमें वो पावर बतानी है मिनिमम वाली। तो इसके लिए हम देखना क्या कर सकते हैं, हमें सबसे पहले ये पता है कि जैसे मान लो अगर ये जो टेम्पल्स हैं इसकी पोजीशंस गिवन है 1, 5 और 20, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास ना हम जो हमें जैसे क्वेश्चन में देखना, क्वेश्चन में जैसे अगर हमें ये जो पोजीशंस है ना ये पोजीशन की मैक्सिमम वैल्यू 10^7 तक गिवन है ना, तो पोजीशन की अगर मैक्सिमम वैल्यू 10^7 तक गिवन है, इसका मतलब अगर हम मॉन्क को यहाँ पे भी खड़ा कर देंगे ना, ऐसा भी केस हो सकता है वर्स्ट केस में कि मॉन्क एकदम यहीं पे आ जाए है ना, तो उस केस को हम क्या ले लेंगे, उस केस को हम हाई ले लेंगे, और हमारे को ये पता है कि हमारी जो वैल्यू है मिनिमम पॉसिबल 1 हो सकती है, तो हम लोगों को क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। अब ये जितने भी ये जितनी भी रेंज बनती है ना इसमें से हम क्या करेंगे, हम एक मिड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और इस मिड की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद ना हम इसको क्या करेंगे, हम ये जो है ये हमारी हम पावर अज्यूम करेंगे, ठीक है, समझ रहे हो। तो अगर हमारी ये पावर बनती है ना, फिर हम क्या करेंगे, हमारा जो पहला वाला एलिमेंट है ना मतलब जो पहली वाली पोजीशन है टेम्पल की, हम उसमें ये पावर को ऐड करेंगे, ठीक है, इस पावर को हमने ऐड कर दिया, फिर हम ये देखेंगे कि ये पोजीशन में ये पावर ऐड करने के बाद जो वैल्यू बन रही है, मतलब जैसे मान लो ये वैल्यू बन रही है 3 है ना, हमने मान लो इसमें ले लिया 2 पावर को, तो ये जो 3 बन रही है ना, क्या ये हमारी नेक्स्ट टेम्पल से क्या है 1 है, ओ सॉरी मतलब क्या ये हमारी नेक्स्ट टेम्पल तक जा सकती है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि जो मॉन्क है ना वो क्या करेगा, जैसे मान लो ये मॉन्क है ना,
तो ये मॉन्क जो है इस डायरेक्शन में भी करेगा, मतलब दोनों डायरेक्शन में अपनी एनलाइटमेंट जो है वो स्प्रेड करेगा, समझ आ रही है बात? मतलब वो इधर भी करेगा और इस तरफ भी करेगा, है ना? तभी हमने ये ऊपर देखा था केस थ्री का, कि वो इस डायरेक्शन में भी दे रहा है टू और इस डायरेक्शन में भी दे रहा है ना? तो अगर हमने यहाँ पे टू देखा है तो हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि हमने ये पावर कैलकुलेट करके थ्री तो निकाल लिया, अब हम ये देखेंगे कि अगर हम इसमें पावर को और ऐड कर दें तो ये जो इस साइड में राइट साइड में वैल्यू है, अगर ये ऐड करने के बाद हमारी जो नेक्स्ट वाले टेम्पल की पोजिशन है वहां तक पहुंच रहा है ना, तो फिर हमारा ये आंसर पॉसिबल है ना? और इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारा जैसे ये पॉसिबल पहुंच रहा है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसके बाद अगर हम टू ये ऐड करते हैं तो ये सेवन तो नहीं बन रहा ना नेक्स्ट पॉसिबल, क्योंकि वो तो 20 है। फिर हम क्या करेंगे, एक मॉन्क को और ऐड करेंगे अपने साथ, है ना? ये तो एक ही मॉन्क की पावर थी जिसने कि ये वाला कंप्लीट कर दिया फाइव। फिर हम एक मॉन्क को और लेंगे साथ में, फिर उसको देखेंगे कि क्या वो हम जो पोजिशन है वो हम अपनी सेटिस्फाई करा सकते हैं यहाँ पे रख के, मतलब ये जो नेक्स्ट वाली पोजिशन है अगर हम उस पावर में इसको ऐड कर दें, इस वाले मॉन्क को ऐड कर दें, समझ रहे हो? मतलब ये जो नेक्स्ट वाली है अगर हम इसको ऐड कर देते हैं अपने में, जैसे मान लो हम दोनों साइड देखते हैं ना, हमने जैसे मान लो इसको मॉन्क को, ये नेक्स्ट हमारी 20 है ना, हमने देखा कि हमारे पास जो पावर है वो 20 है, अगर हम इस नेक्स्ट वाली पोजीशन से, ये जो हमारा टेम्पल है इसमें से ये वाली जो पोजीशन है ना, इसको अगर हम ऐड कर दें पावर को, तो हम ये फिर से कंपेयर कर सकते हैं कि हमने जो नेक्स्ट मॉन्क लिया है अगर हम उस मॉन्क में ये जो नेक्स्ट वाला टेम्पल है इसमें पावर को ऐड कर दें तो क्या ये हमारा नेक्स्ट वाले टेम्पल तक पहुंच रहा है? इस केस में तो नेक्स्ट टेम्पल है नहीं, तो इस केस में तो वैसे ही आंसर हो जाएगा क्योंकि हमारे टेम्पल्स जो है वो सारे कवर हो गए, है ना? समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि अगर हम मान लो इस टेम्प को इस तरफ रखते हैं लेफ्ट साइड में, तो वो मॉन्क यहाँ आ जाएगा, है ना? तो वो हमने वो तो देख ही लिया कि मॉन्क यहाँ पे तो आ ही सकता है, और राइट में तो कोई है ही नहीं, तो इसलिए हमारे पास ये मॉन्क यहाँ आ सकता है और ये मॉन्क हमारे यहाँ थ्री पे आ सकता है। ये बात समझ आ रही है ना? तो हमें बस यही देखना है कि अगर हम इस पहले, सबसे पहले तो हमने फर्स्ट एलिमेंट में पावर ऐड करी, फिर हमने चेक किया कि हमारे पास अब जो वैल्यू आ रही है क्या वो हमारे नेक्स्ट टेम्पल तक पहुंचा रही है, तो अगर हम पहुंचा रही है ना, तो फिर हम ये देखते रहेंगे कि कब तक यही पावर हमारी काम आ रही है। अगर ऐसा भी तो सकता है कि हमारे पास ये जो पावर है ये हमारे पास बड़ी होती है ना, फोर होती, समझ रहे हो? तो ऐसा भी तो सकता है कि अगर हमारे पास ये यहाँ पे सिक्स होता है ना, तो फिर हमारे पास ये दोनों ही टेम्पल कवर हो जाते इसी मॉन्क की पावर से, ठीक है? तो हमारे पास ऐसा भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे ना, हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये पावर कब तक सस्टेन कर रही है, और जैसे ये पावर खत्म हो जाएगी ना, मतलब ये जो पावर है ये लेस देन हो जाएगी नेक्स्ट टेम्पल की पोजिशन से, है ना? ये नेक्स्ट टेम्पल की पोजिशन से फिर हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये जो नेक्स्ट टेम्पल है ना, अगर हम इसमें नेक्स्ट मॉन्क की पावर को ऐड करते हैं, क्योंकि पावर तो सेम ही है ना, सारे मॉन्क की पावर तो सेम ही होगी, फिर हम अगर नेक्स्ट टेम्पल की पावर, नेक्स्ट टेम्पल में ये पावर ऐड करते हैं, तो क्या ये वैल्यू जो है ये हमें नेक्स्ट वाले टेम्पल तक ले जा सकती है? मतलब अगर ये वैल्यू हमारी आई प्लस वन के टेम्पल तक ले जा सकती है, तो अगर ये ले जा रही है ना, मतलब या तो इससे बड़ी होगी या तो इसके बराबर होगी, तो अगर ये ले जा रही है तो फिर हमारे पास, फिर हम वही चीज करेंगे जो हमने यहाँ इस वाले आई की वैल्यू के लिए करी थी, इस वाले मॉन्क के लिए करी थी, कि जब तक ये ले जा रही है तब तक हम यही चीज देखते रहेंगे, और जैसे ये छोटी हो जाती है फिर हम नेक्स्ट मॉन्क को ले आएंगे, समझ रहे हो मेरी बात? नेक्स्ट मॉन्क आएगा नेक्स्ट टेम्पल पे, है ना? और ये हम तब तक देखते रहेंगे जब तक हमारी जैसे मॉन्क की वैल्यू जो है ना, जो हमारे के की वैल्यू है, मतलब जैसे मान लो मॉन्क की है, हमने के की वैल्यू को अज्यूम कर लिया, तो अगर हमारी ये कहीं पे भी वैल्यू जीरो हो जाती है इसका मतलब हमारे मॉन्क खत्म हो गए, है ना? तो मॉन्क खत्म हो गए लेकिन हम लास्ट वाले टेम्पल तक नहीं पहुंचे, इसका मतलब हमारे पास क्या है, ये जो हमने ये मिड निकाला था, ये हमारा जो है वैल्यू है ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है अपनी मिड की वैल्यू को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, क्योंकि हमारे को ये कंप्लीट ही नहीं कर रही ना ये पावर, तो हम क्या करेंगे, मिड की वैल्यू को लो प्लस वन कर देंगे, समझ रहे हो? लो ऑफ मिड प्लस वन, समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर हमारे पास ये के की वैल्यू जीरो आ जाती है तो हम इसको मतलब रेंज को बढ़ा देंगे। और अगर हमारे पास ऐसे होता है कि हमारे पास ना, जैसे हमारे को ये जो पावर है, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमारे को जो आंसर है वो कंप्लीट मिल जाए, अगर हम ये कह देते हैं कि हमारे पास ये जो लास्ट वाली वैल्यू है ये कंप्लीट हो गई पूरी, ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात? अगर हमने ये कह दिया कि हमारे पास ये जो लास्ट वाली वैल्यू है ये, मतलब अगर हमारे पास ये जो एंड वाली एरे है, अगर हम यहां तक पहुंच गए है ना, तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास एक तो ये पॉसिबल आंसर हो सकता है मिड, है ना? और ऐसा भी तो हो सकता है कि इससे एक छोटा आंसर भी पॉसिबल है, तो फिर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, हमारी हाई वाली वैल्यू को एक मिड माइनस वन कर दें, समझ रहे हो? क्योंकि हमें तो मिनिमम उसकी एनर्जी चाहिए ना, कि मिनिमम पावर कितनी होगी, तो हमें बस यही चीजें करनी है। तो यही हमारी अप्रोच है, अगर इस अप्रोच में कोई डाउट है तो पूछ लो, एक बार कोड पे चलते हैं, नहीं तो हाँ, तो एक बार कोड पे आ जाओ, तो कोड में ध्यान से देखना, हमें सबसे पहले ना मेन फंक्शन में क्या करना है, सबसे पहले तो एन और के की वैल्यू को इनपुट लेना है ना? फिर हमने क्या किया, हमने ये जो टेम्पल्स थे इनको इनपुट लिया, एन साइज का ये एरे था,
ठीक है। फिर हमने क्या किया, उनको सॉर्ट किया। सॉर्ट क्या, सॉर्ट हमने किस लिए किया ये समझ आ रहा है? क्योंकि हमारे पास जो ये टेम्पल्स है ना, ये जो हमारे पास टेम्पल्स हैं, ये हम तभी तो ऐड कर पाएंगे ना एक एक वैल्यू को, क्योंकि हमारे को पोजीशंस तो ये वो नहीं है कि हमारे को पोजीशन तो मैटर करती नहीं कि कौन सा मतलब कहाँ पे है, क्योंकि हमें जैसे वो लगाना है, अगर सॉर्टेड में वो लगाना है ना, जैसे टेम्पल्स में, एक मिनट मैं समझाता हूँ, इधर आओ जैम बोर्ड पे। ये जो हमने अभी किया है ना, नेक्स्ट पेज, या इसी में समझा देता हूँ मैं इधर। जैसे हमने ये 1, 5 और 20 में किया है ना, तो ये 1, 5 और 20 क्या है, सॉर्टेड एरे है। तभी तो हमने पता किया कि अगर हम इसको इसमें ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू हम तभी तो कंपेयर कर पाएंगे जब ये इससे बड़ी होगी। अगर ऐसे हो गया ये चीज हो गई है ना, तो हम ये नहीं कह सकते ना हमने इसमें पावर में ऐड किया और अगर ये वैल्यू बड़ी है ना, कि अगर इससे वैल्यू ये मतलब बड़ी जा रही है तो हम नेक्स्ट टेम्पल पे चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते। समझ रहे हो मेरी बात है ना? तो हमें सॉर्टेड इसे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने मान लो इसे ऐसे अनसॉर्टेड में छोड़ दिया ना, तो ये इसका डिस्टेंस तो मतलब अगर हम इसको 3 को कंपेयर तो कर दिया, लेकिन ये पावर जो है ना, ये जो इस एलिमेंट है, एरे है, अगर हम इसमें पावर को नेक्स्ट पावर को ऐड करेंगे ना, जैसे मान लो इसको हमने इसमें ऐड किया पावर में, तो ये क्या करेगा, ये हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू है ना इसको छोटा कर देगा। समझ रहे हो? जबकि हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, बड़ी होनी चाहिए थी। समझ रहे हो ना मेरी बात? इससे तो बड़ी होनी चाहिए थी ना ये, है ना, क्योंकि वो जो एरे है हमें गिवन है। मतलब एक बारी क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन पे मैं दिखाता हूँ ये सॉर्टेड क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो हमें गिवन है ना क्वेश्चन में, ये वाली लाइन देखना, ऑल्सो वेन वी से ये इनपुट इनपुट वाले फॉर्मेट के ऊपर वाली लाइन, इसमें गिवन है कि टेम्पस जो है ना वो एक्स एक्सिस के ग्राफ के अकॉर्डिंग है, मतलब जो पोजिशन है ना वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है, मतलब ये इंक्रीजिंग है। समझ रहे हो? तो हमें बस यही गिवन है। और ये देखो कंस्ट्रेंट्स में ध्यान से देखना, हमें जो पोजीशन है वो मैक्सिमम 10^7 तक जा सकती है, इसलिए हमने हाई की वैल्यू 10^7 ली है। तो अब एक बारी कोड पे आ जाओ वापस से, तो 45 लाइन में आ जाओ, लो हमने ले लिया और हाई की वैल्यू को हमने वही असाइन कर दिया जो मैंने समझाया था 10^7। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक मिड की वैल्यू निकाली, फिर हमने चेक किया कि मिड की वैल्यू जो है ना, क्या ये हमारी के की वैल्यू से, मतलब वही चीज जो अभी मैं समझा रहा था, कि हमने सबसे पहले चेक किया कि ये जो मिड की वैल्यू है ये हमारी उस नेक्स्ट टेम्पल तक पहुंच सकती है कि नहीं। मतलब ये देखना है, 21 लाइन में आ जाओ चेक फंक्शन में, है ना। तो ये जो चेक फंक्शन में सबसे पहले हमने क्या किया, हमने फर्स्ट वाले ये जो टेम्प ऑफ जीरो है ना, इसको हमने अपने जो पावर है नम इससे ऐड किया। ये हम सबसे पहले करेंगे, सबसे पहले हमने फर्स्ट वाले उसको टेम्पल को पावर से ऐड किया, फिर हम, और ये जो के माइनस माइनस है ना, ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम अपने मॉन्ग्स को डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब एक मॉन्ग तो लग गया ना इसमें। समझ आ रही बात? मतलब एक मॉन्ग को हमने खड़ा कर दिया फर्स्ट वाले के साथ में, उसने अपनी पावर बढ़ाई है ना, तो एक मॉन्ग हमारे पास कम हो गया। फिर हम जो है अब 1 से लेके नेक्स्ट पूरे मतलब टेम्पल के साइज तक क्या करेंगे, अपने ट्रेवर्स करेंगे, और फिर हम वही चीज करेंगे कि हमने मतलब प्रीवियस को अगर हमने पावर बढ़ाई हमारी, और अगर वो पावर जो है उस टेम्पल की पोजिशन से जो है ना बढ़ी जा रही है। समझ आ रही है? मतलब अगर हमारी वो जो टेम्पल की पोजीशन है अगर उससे बढ़ी जा रही है, तो वही वाला मॉन्क जो है क्या हो सकता है कि वो नेक्स्ट टेम्पल तक भी पहुंच जाए। समझ रहे हो ना जो मैंने अभी समझाया था, एक ही मॉन्क जो है वो दो दो या उससे भी ज्यादा ले सकता है, एक से ज्यादा। तो हम वही कर रहे हैं कि अगर वो जो टेम्पल से भी बढ़ी जा रही है ना उसकी पावर, तो हम कंटिन्यू कर दें कि हम जो है नेक्स्ट वाले टेम्पल को भी देख रहे हैं इसी में ही, है ना। या फिर अगर हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारी जो एक के की वैल्यू अगर 0 हो जाए, मतलब हमारे पास जो मॉन्क है ना वो खत्म हो जाए, और जो हमारी वैल्यू है वो मतलब इसमें ना आए पूरी, मतलब खत्म ही ना हो, ये जो हमारा मतलब इटरेशंस हैं ये अभी भी बची हुई है, मतलब टेम्पल ऑफ साइज जो है ये हमने फॉर लूप लगाया है ये बचा हुआ है, लेकिन उससे खत्म होने से पहले ही हमारी जो के की वैल्यू है ना बीच में कहीं 0 हो गई, तो मॉन्क खत्म हो गए। इस केस में हम क्या करेंगे, हमारा 0 रिटर्न कर देंगे कि ये पॉसिबल नहीं है इस केस में, ठीक है। और वरना हम क्या करेंगे, हम हमारी जो ये जो नम है ना, मतलब हमारा ये दोनों केस फॉल्स हो गए, मतलब हमारी जो ये जो हमारा पावर है ये नेक्स्ट टेम्पल तक नहीं पहुंच पाई है ना, और जो हमारा मॉन्क है वो भी बचे हुए हैं अभी। तो हम क्या करेंगे, एक मॉन्क को एक और ले लेंगे, तो उसकी पावर हम नेक्स्ट टेम्पल में ऐड कर देंगे, और जो हमारा के माइनस माइनस है वो कर देंगे कि हमने एक और उसको मॉन्क को यूज कर लिया है। ये चीज समझ आई हम चेक फंक्शन में क्या कर रहे हैं? तो भैया अगर इन दोनों में से अगर हमारा रिटर्न 0 नहीं होता है, हमारे मॉन्क जो है पूरे लूप कंप्लीट करवा देते हैं, तो हम लास्ट में रिटर्न 1 कर देंगे, ठीक है। तो हमें बस यही चेक फंक्शन यूज करना है, और उसके बाद हम देखेंगे 52 लाइन में आ जाओ। 52 लाइन में हमें वही चीज करनी थी कि हमें ना इसमें से ये देखना था कि हमारे पास जो मिड की वैल्यू है वो तो 1 बने, और जो हमारे पास मतलब वो तो पॉसिबल है मिड की वैल्यू, और जो हमारे पास उससे छोटी वैल्यू है ना वो पॉसिबल ना हो। क्यों? क्योंकि हमें जो पावर है ना उसकी वो कैलकुलेट करनी थी कि पावर जो क्या बन रही है, अगर जैसे मान लो उससे छोटी पावर जो है वो 0 बन रही है, मतलब हमारे पास जो मिड की वैल्यू है ना वो तो पॉसिबल है, लेकिन जो उससे छोटी वैल्यू है वो पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात है ना? तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हम ब्रेक कर जाएंगे लूप में,
क्यों? क्योंकि हमारे पास वो जो मिड है ना, वो ही हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि उससे छोटी पॉसिबल नहीं है। हमें जो बताना था वो मिड की वैल्यू बतानी थी, समझ रहे हो नहीं मेरी बात? क्योंकि उससे छोटी वैल्यू क्या करेगी, पावर को कम कर देगी, है ना? तो लूप हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और वही हमारा मिड जो है वो उसको पावर को कंप्लीट कर रहा है, तो हमारा मिड जो है ये पॉसिबल आंसर है, इसलिए हम यहां से ब्रेक कर जाएंगे। और वरना हम क्या करेंगे, अगर हमारे जो वीवी है, मतलब हमारा जो चेक फंक्शन है, अगर ये जीरो आंसर देता है वैसे ही, है ना, अगर ऐसा नहीं होता कि मतलब मिड जो है वन आंसर दे रहा है, तो अगर ये ऐसा है कि हमारे पास मिड जो है वो वैसे ही जीरो आंसर दे दे, तो उस केस में मैंने बताया था कि अगर हमारे पास पावर कम पड़ गई इस केस में, तो हम क्या करेंगे, हम अपने मिड की वैल्यू को, मतलब लो की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे कि हम अपनी पावर को बढ़ाएंगे, समझ रहे हो ना मेरी बात? और वरना हम क्या करेंगे, है ना, हम हाई को जो है छोटा कर देंगे, बस हमें यही करना है। और लास्ट में हम अपनी मिड की वैल्यू जो हमने यहां से ब्रेक करके निकाली थी ना, ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करा के, वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ,